एवरीवन, मैं हूं राधा। स्वागत करती हूं अपने एक और न्यू ब्लॉग में। न्यू ब्लॉग की शुरुआत में अपने किचन से कर रही हूं और टाइम हो गया है अभी करीब 11:30 का। फिलहाल मैं रेडी हो गई हूं, नहा धो लिया है मैंने। और आप कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मेरी तो तबीयत ऐसी चल रही है। तो आपने जैसा कि पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो हमारी गुड़िया रानी हुई थी तो उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और सपोर्ट किया। तो आपने सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और जिस दिन तो मैं हॉस्पिटल गई हुई थी तो उस दिन से मेरी तबीयत लगातार 2 दिन खराब रही। और कल थी 18 तारीख और कल था ग्रहण। तो ग्रहण की वजह से ना पूरा दिन जो है ना पूरी रात आज सुबह छूटा हुआ है। 10:30 बजे 6 बजे से लग गया था तो मेरी तो हालत डाउन हो गई थी भैया। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ फिलहाल। और अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने लिए मैगी बनाने की। तो मैं मैगी बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह जो है ना वो कट कर लिया है। आज मैं स्पेशल तरीके से मैगी बनाऊँगी, थोड़ा सा अच्छा सा बनाऊँगी सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा हो गई है बड़ी दुखी। मुझे ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मिस्टर जी से मैंने बोला था आप बनाना, पर मिस्टर जी शॉप में चले गए हैं। तो मैंने कहा उनको क्यों परेशान करना, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन चढ़ा दिया है भैया काला वाला। तब तो बना लेते हैं मैगी। तो ये रहा मेरा मसाले का डब्बा, क्योंकि ना मैंने जो प्लास्टिक वाला डब्बा था उसको चेंज कर दिया है। वो गंदा हो जाता है और मसाले भी थोड़े से ख़राब हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे मसाले भर के रख दिए हैं इसमें। और नॉर्मल मसाले हैं, धनिया पाउडर है, हल्दी है, नमक है और मिर्च है। बस इतने ही मसाले मैं यूज़ करती हूँ। और जीरा मुझे पसंद नहीं है तो मैं वो यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो ये मेरा न्यू मसाले का डब्बा। और फटाफट से मैं मैगी में अपना तड़का लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं आज तड़के वाली मैगी बनाने वाली हूँ। सोच तो रही थी खाना पीना बनाऊंगी, पर खाना पीना बनाने की मेरी हिम्मत नहीं है, तो उसी से काम चला लेते हैं। तो चलिए जी, मैगी मेरी अभी हो रही है। तब तक मैं थोड़ा सा आपसे बातें कर लेती हूँ। तो 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी तो उस वजह से मैंने कोई ब्लॉग व्लॉग शूट किए नहीं। और आज ना मिस्टर जी ने खाना पीना बना दिया है और कल भी मिस्टर जी ने ही खाना पीना बनाया हुआ था। तो घर का सारा काम उन्होंने ही संभाला, तो मैं तो कुछ काम कर नहीं सकती थी इसलिए मैंने कोई काम किया नहीं। और कल भाई भी आया था और डेली उनके फ़ोन आ रहे हैं ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जब से बहन की डिलीवरी हुई है ना उनको मेरी बहुत चिंता हो रही है कि ये ठीक रहे तो अच्छा हो जाए। तो इस वजह से उनकी वो डेली आ जाते हैं यहाँ पर मुझे देखने के लिए, या उनका फ़ोन मेरी तरफ खड़कता ही रहता है। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी मैगी बनके रेडी हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी टेस्टी टेस्टी सी मैगी तैयार हो गई है। इसमें मैंने प्याज और टमाटर का ऊपर से गार्निश करके रखा हुआ है, तो फिलहाल मैं इसको खा ले। तो चलिए जी, फिलहाल टेस्टी टेस्टी सी मैगी का आनंद लेते हैं और अपनी आत्मा को, दुखी आत्मा को शांत करते हैं, फटाफट से खा लेते हैं। तो मैगी खाने के बाद मैं तो सो गई थी, मुझे तो बहुत तेज़ नींद आई। और अभी उठ के मैंने अपनी गुड़िया रानी से बात की, साथ में मेरी अभी तैयारी हो गई है खाना बनाने की। तो यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। ये परवल है और इसके छिलके मैंने निकाल दिए हैं। इस बार मैं अलग स्टाइल से बनाने वाली हूँ। तो देखो भाई, परवल को मैंने छील दिए हैं, यहाँ पे थोड़े से कट कर लिए हैं, तब तक आप उसे बना लेती हूँ। तो चलिए जी, फिलहाल मैंने सब्जी की कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप। फटाफट से इसमें तड़का लगाते हैं। मिस्टर जी की तैयारी हो गई है आटा गूंदने की, तो मिस्टर जी आटा गूंद रहे हैं और उसके बाद हम तड़का उड़का लगाएंगे। तो जब तक मैं खाना वाना बनाती हूँ तब तक आप हमारी गुड़िया रानी की एक क्लिप देख लीजिए और इसको इंजॉय कीजिए। तब तक मेरा खाना रेडी हो जाएगा बन के, फिर आपसे मिलते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपनी बहन से बातें की थी और साथ में गुड़िया रानी को वीडियो कॉल में बात भी कर ली थी, लेकिन मैंने यहाँ पे उसे बोला कि हमारे व्यूवर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप एक क्लिप बना के दे देना। तो यहीं पे बहन बना रही थी क्लिप, छोटी वाली बहन और मम्मी लोग वहीं पे थे, साथ में भाई भी वहीं पे था। तो ये हमारी मम्मी बैठी हुई हैं और बाकी ये उनके घर वाले। तो चलिए जी, अभी मैं छत में आ गई हूँ और आपसे थोड़ी सी बातें करनी है। मैंने रोटी पानी बना दिया है और मैं अभी छत में आ गई हूँ और यहाँ पे कपड़े मेरे पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। तो कपड़े मैंने धुल तो दिए थे लेकिन मिस्टर जी ने सूखने के लिए डाले हुए थे।
तो दोपहर में ना मैं सो गई थी मैगी वैगी बनाने के बाद। उसके बाद जब मैं उठी तो बहन का कॉल हुआ था, तो कॉल के बाद फिर मैं तो सो गई थी। फिर मैंने बैक कॉल की ना, मैंने उसको बैक कॉल की तो मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी गुड़िया रखूँ। तो जब मैंने वीडियो कॉल वगैरह की तो फिर मेरा देखने का मन किया, तो वहाँ से मैंने कहा कि चलो भैया एक वीडियो बना के भेज देना कि हमारे व्यूवर भी देख लेंगे उनको। तो मैंने आपको एक क्लिप शेयर करी हुई है, वो उनके घर में है। तो आज ना मम्मी भी गई हुई हैं बहन को देखने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी ना, कमज़ोर थी, तो उस वजह से मम्मी भी वहीं पे गई हुई हैं। सारा दिन कल तो मैं सारा दिन घर से बाहर नहीं निकली, तो भैया अच्छा सा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं कैद हो गई हूँ। तो घर में ऐसा कैद कैद जैसा लग रहा था। मैं कहा छत में होके आती हूँ, लेकिन छत में ना बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ मैं। और इस बेल को देख देख के मेरे को आ रहा है गुस्सा। इसमें फलियां तो लगती हैं, ये देखिए फलियां बन रही हैं और निरी सारी बन रही हैं, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रही हैं क्योंकि बंदर हार्वेस्ट कर जा रहा, बंदर सब खा जा रहा है ना, तो उस वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही हैं। तो मुझे देख देख के इसको गुस्सा आता है। तो आप कमेंट में बताइए इसको उखाड़ दूँ या फिर रहने दूँ। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दुनिया में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अनुराधा मिलती हूँ आपको अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। बाय बाय।